खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां आगरा के ताजगंज एरिया के धांधुपुरा में एक मकान की छत गिर गई। हादसे के वक्त मकान में बर्थडे पार्टी चल रही थी। हादसे में एसएसपी ने दो लोगों की मौत की पुष्टि की है, वहीं 5 से 6 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पड़ोसियों ने बताया कि यह मकान 30 साल पुराना है। 1 साल पहले इसे सराफा कारोबारी सोनू वर्मा ने खरीदा था, जिसके दोस्त अनिकेत चौधरी की बर्थडे पार्टी मकान के दूसरे फ्लोर पर की जा रही थी, जिसमें 40 से 50 लोग शामिल थे। इसी दौरान अचानक दूसरे फ्लोर की फर्श ढह गई और सभी लोग फर्स्ट फ्लोर पर गिर गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते, फर्स्ट फ्लोर की फर्श भी ढह गई, जिससे जोरदार आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। आपको बता दें कि बर्थडे पार्टी में हादसा पेश आया आगरा में। आपको बता दें, बर्थडे पार्टी चल रही थी और इसी दौरान छत गिर गई। डीजे पर डांस के दौरान छत गिर गई, जिससे वहां पर दो लोगों की मौत हो गई और 12 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। बर्थडे पार्टी में आपको बता दें 40 से 50 लोग शामिल थे और बर्थडे इंजॉय कर रहे थे, उसी दौरान छत गिर गई और जो खुशी का माहौल था वो दहशत में फैल गया। 2 की मौत हो गई, 12 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ये जो हादसा हुआ, आपको बता दें, बर्थडे पार्टी में पेश आया है। एक लड़का है, उसका चौधरी नाम है, जिनका बर्थडे था। उस बर्थडे में कई लोग आए थे या इनवाइटी थे या इस बिल्डिंग में। जब उनका प्रोग्राम चल रहा था तो एक गाटर पटिया का था, कोलैप्स हुआ यहाँ पे। प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 15 लोग हैं जो कि घायल हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग शांति मांगलिक में हैं, कुछ लोग उपाध्याय में हैं, कुछ रेफर करके एसएन मेडिकल में है। एसएन मेडिकल प्रचार को वहाँ बताया गया है, सीमो साहब उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी लगभग 9:30 बजे के आसपास, 9:30 बीच में। यहाँ पे थाना ताजगंज के अंतर्गत दांतपुरा मोहल्ला में एक मकान में कुछ लोग छत गिरने से दब गया। उसके बाद तुरंत मौके पर पुलिस सहित उसके साथ फायर सर्विस और हमारा SPCTCO लोग मौके पर तुरंत पहुंच के वहां से लोगों को बचाने की कोशिश किया। उस पर कई लोग पुलिस ने बचा के हॉस्पिटल भिजवा दिया। उस पर लगभग 15-16 लोग हल्की फुल्की चोट में सब अपना अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज कर रहा था। कुछ लोग उपाध्याय हॉस्पिटल में, कुछ लोग एसएन मेडिकल में हैं, कुछ लोग शांति एक दूसरा हॉस्पिटल में कर रहा है। और हम लोग तुरंत आके सभी ऊपर से नीचे तक सभी सर्च किया है, तलाश लिया है। वहाँ पर जो मलबा में कोई दबा तो नहीं है, और हम लोगों ने तलाशने में 2-3 लोग पुलिस ने बचाया है। उस पर एक आदमी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल भिजवाया था। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अंकित सेठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अंकित, देखिए, आगरा में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया जा रहा था और उस दौरान छत गिर गई और 2 की मौत और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। क्या कुछ प्रकरण रहा यहाँ पे? जी आयुष जी, आपको बता दूं, देर रात का ये पूरा मामला है, जहां पर धांधुपुरा इलाके में ताजगंज क्षेत्र पड़ता है, जिसमें धांधुपुरा एक इलाका है। वहां पर छत पे एक बर्थडे पार्टी हो रही थी, तो देखा गया लगभग 15 लोग मलबे में दब गए थे, छत गिरने से, जिनको रात को देर रात पुलिस ने पूरा रेस्क्यू करके निकाल लिया, जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल आगरा के डीएम के अनुसार जो पुष्टि करी गई है, अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से अभी भी घायल है, जिनका इलाज अलग अलग अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने देर रात ये बता दिया था कि जिनकी बर्थडे पार्टी थी और जो जिनका मकान था, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी लिखा जाएगा, जो कि महामारी नियम के अनुसार ये मुकदमा लिखा जाएगा, क्योंकि धारा 144 अभी भी आगरा में लागू है। और देखा जा रहा था कि बर्थडे पार्टी जो ऑर्गेनाइज हुई, लगभग 30 से 40 लोग बर्थडे पार्टी में थे, लेकिन देर रात होते होते 15 से 16 लोग जो थे वो छत पे मौजूद थे उस समय, जब ये हादसा, दर्दनाक हादसा हो गया। जी अंकित, ये भी बताया जा रहा है कि मकान बहुत ज्यादा पुराना था, इस वजह से ढह गई। जी देखिए, आपको बता दें, लगातार आगरा में कई दिनों से बारिश भी हो रही थी और कई परिसर भी था, क्योंकि और मकान भी पुराना था। उसके अनुसार देखा गया 30 से 40 लोग जब ये छत पे थे और पुराना ये मकान था, उसके बाद कई लोग अपने देर रात होते होते अपने घर पे जा चुके थे। फिलहाल ये 15 से 16 लोग थे उस समय जो मौजूद थे छत पे, और ये जब दर्दनाक हादसा हुआ, वो मलबे में जब सारे लोग दब गए थे, तब देखा गया देर रात तक पुलिस ने पूरा अपना रेस्क्यू ऑपरेशन किया, उसके बाद अलग अलग निजी अस्पतालों में लोगों को एडमिट कराया गया। जी शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।